बहुत से लोग ऑयल के और सुसमाचार के खिलाफ बोलते हैं, मालूम आपको? मेरी शुरू से आदत रही है, दुनिया जितना मर्जी विरोध कर ले, जो प्रभु ने मुझसे कहा है ना, तुम पीट पीट के नीले भी हो जाओगे, मैं वो करना छोड़ूंगा नहीं। सुनो मेरी बात। जब परमेश्वर एक बड़ा मसा किसी को देता है तो ये नेचुरल है और ये डिवाइन है कि वो आपसे हर वक्त नहीं मिल सकता, ये प्रभु की ओर से है। अगर मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को 100 कॉल किए, कई बार 1% भी बात नहीं हुई, 100 में से एक बार भी, लेकिन मैं उन्हें सुन सकता था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लोग पता क्या बोलते हैं, कहते जी तुसी जो परचे भेजते हैं, तुसी बाइबल भेजो, तुसी अपने चर्च का प्रचार कर रहे हैं सुसमाचार। मैं बाइबल भेजने के लिए तैयार हूं, सुनो मेरी बात। जब आप बाइबल दोगे, हाँ मान लो एक आ जाओ बंदा, ये नया इंसान है, मान लो हाँ नया बंदा, मैं किसी के गांव में गया हूं, मैंने कहा भाई ये बाइबल है, ये भाई बाइबल है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो तुझे चंगा करेंगे बाइबल पढ़ाकर। मतलब एक बच्चे को मैंने, एक जन्मते हुए बच्चे को मैंने एक ग्रंथ दे दिया पढ़ने के लिए, क्या ये चल पाएगा परमेश्वर में? तो चर्च में कौन सा अंकुर नरूला का प्रचार हो रहा है? जब आप बोलते हो भाई साहब ये पंफलेट है, सुनिए ये हमारा चर्च है, यहां पर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे होते हैं, आप आइए और आप सुनिए। जब बंदा चर्च में आएगा, वचन सुनेगा, टेस्टिमनी सुनेगा, सब तरह से देखेगा, वो चलना शुरू करेगा, बपतिस्मा लेगा, तो बचेगा। सिर्फ बाइबल देने से कैसे बचेगा भाई? अब तुम चर्च में आए हो, तुम जितने लोग हो, तुम्हारे पास बाइबल है कि नहीं? हाथ उठाओ, तो ये देख लो भी शक्ल इनकी है, बाइबल हलाओ तो हाथ मारा पंजाबी जी, सबके पास है? कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, वो भी हाथ हिलाओ तो। अब ये लो, अंदर वाला हाथ दिखा रहा तू, हाँ हिलाओ हाथ जोर से बपतिस्मे वाले, ये लो। अब बताओ क्या करना चाहिए? जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, आप यही बताते हैं भाई साहब चर्च में आए, चर्च में कोई मेरे नाम का बपतिस्मा नहीं हम दे रहे, चर्च में कोई अंकुर नरूला ने नया कोई नया नियम नहीं लिखा जो उसके बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, चर्च में हम यीशु मसीह को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल आंखों के सामने। पर होता क्या है, कुछ लोगों ने खुद कुछ नहीं करना, खुद सिर्फ वेले फेसबुक पर वो कुछ भी लिख सकते, खुद कुछ नहीं करना, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी बुराई करनी। बुराई करने से अच्छा है अगर कोई 5 लाख रूहें बचा रहा है, तुम जाके 5 बचा लो, तुम ब्लेस हो जाओ। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में वो सेवकाई जो लाखों बचा रही है, उसकी निंदा करने से तुम्हें शराब के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप जब सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, मैं आपको पवित्र आत्मा की सहायता से कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और आपको इसका बड़ा फजल बड़ा अजर मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।